हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम। ओके, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल एंड क्यूबिक पॉलीनोमियल। तो फॉर्मेशन कैसे बनाए, कि फॉर्मेट क्या फॉर्मेट होता है, कि कोई भी जीरोस दे रखे हो उन जीरोस की हेल्प से आपको अगर इक्वेशन बनानी तो कैसे बनाएं, क्या तरीका, ध्यान से देखिए। बहुत ही आसान तरीका है। तो सबसे पहले मैं जैसे फर्स्ट वाले बता रहा हूँ, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। इसका क्या तरीका है, क्या फॉर्मूला होता है इसको बनाने का? फॉर्मूला है के मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास जो वैल्यूज होनी चाहिए वो आप अच्छे से समझेंगे जो मैं बता रहा हूँ आपको। हमेशा ध्यान रखना, सबसे पहले तो यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर के अकॉर्डिंग, फिर माइनस, फिर आएगा सम ऑफ जीरोस, फिर आउटसाइड आएगा एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो ये फॉर्मेट होती है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल की। इसको अगर दूसरी लैंग्वेज में लिखें तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा आउटसाइड एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये फॉर्मेशन होती है एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल की, फॉर्मेट ये होती है। तो इसको हमें करना कैसे है, यहाँ पर के क्या है, यहाँ पर के की वैल्यू एक्चुअल में क्या है, वन होती है। जो भी कॉमन लेके जो स्टेप बनेगी इसको सॉल्व करने पर इसकी वैल्यू क्या है, वन बन जाएगी सॉल्व करने पर। ओके, वैसे इसका कोई रोल नहीं रहता, ये इक्वल टू अगर आप लेके चलते हो तो ये सॉल्व हो जाता है, सिंप्लीफाई हो जाता है, लेकिन ये फॉर्मेशन है तो मैं आपको ये बता रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मान लो कि मुझे अगर ये सॉल्व करना हो तो मैं कैसे सॉल्व करूँ। मान लो कि कोई एक इक्वेशन है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कोई इक्वेशन है जिसके जीरो जो है माइनस के टू और माइनस के थ्री हो। मान लो कि अल्फा की वैल्यू माइनस का टू और माइनस का थ्री है, तो उसकी अल्फा एंड बीटा दो जीरोज दे रखे हैं, माइनस के टू और माइनस के थ्री। तो उसकी अगर आपसे कोई कहे कि इक्वेशन फॉर्म करिए तो हम इक्वेशन कैसे करेंगे, बनाएंगे कैसे, देखिए ध्यान से। तो क्या होगा कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरो यानी माइनस टू और माइनस थ्री इनका सम करना है, माइनस टू प्लस माइनस थ्री करना है, और आउटसाइड क्या है एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी माइनस के टू इंटू माइनस का थ्री करना है। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस बाहर ही इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का टू माइनस का थ्री आउटसाइड एक्स प्लस माइनस टू इंटू माइनस थ्री, माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, तो टू थ्री जा सिक्स। तो आपके पास जो फॉर्मेट आई वो आई एक्स स्क्वायर माइनस, और ये एडिशन करना है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है। अगर हम ब्रैकेट सॉल्व करते तो माइनस टू इंटू माइनस थ्री इंटू नहीं ऐड करना है, माइनस टू और माइनस थ्री कितना हुआ माइनस फाइव, और बाहर क्या है एक्स प्लस सिक्स। यानी इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपके पास इक्वेशन जो है, इक्वेशन जो बनती है वो बनती है एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स। यानी ये आपके पास जो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है उसका फॉर्मेट बनता है। फॉर्मेट क्या था, ए ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस आउटसाइड क्या होता है एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ये इसकी फॉर्मेशन होती है। और आपको क्या है कि दो जीरोस दिए होंगे, बस कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले आप क्या निकाल लेना, अल्फा प्लस बीटा निकाल लेना, कि अल्फा प्लस बीटा कितना आता है और अल्फा इंटू बीटा कितना आता है, उनकी वैल्यू जो है हमें निकाल के इसमें पुट करनी है और कुछ भी नहीं करना। तो अल्फा प्लस बीटा किया तो हमने इनको ऐड किया, ये ऐड करने पर कितना आया माइनस टू और माइनस थ्री को ऐड किया माइनस फाइव आ गया, और बाहर क्या होता है माइनस का साइन होता है तो माइनस इंटू माइनस का देता है प्लस। ऑपरेटर ऑफ जीरो तो बहुत ही आसान था, उसमें हमने क्या किया माइनस टू इंटू माइनस थ्री किया, जो कि टू थ्री जा कितना होता है सिक्स, तो ये सिक्स वैल्यू हो गई। ये हमने वैल्यूज रख दी, इसकी वैल्यू हमने रखी माइनस फाइव और इसकी वैल्यू हमने कितनी रखी सिक्स। तो इस तरह से हमने ये जो वैल्यू जो निकाली वो इसमें पुट कर दी, दैट्स इट, इतना ही है। इसी तरह से आपके पास ये तो था क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, इसी तरह से हमारे पास जो है
दूसरी फॉर्मेशन भी है। दूसरी फॉर्मेशन क्या है, ध्यान से समझिए, यह है फॉर्मेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल में फॉर्मेशन क्या होती है वो ध्यान से समझो। क्यूबिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन समझा रहा हूँ आपको, इसकी फॉर्मेशन होती है, इसमें भी बाहर क्या होता है कि इधर क्या आ जाएगा एक्स क्यूब, अब माइनस का साइन, ठीक है, ध्यान से समझना आप लोग इसको, अब माइनस का साइन लेंगे, ठीक है। इसके बाद में भी उसमें क्या था सम ऑफ जीरो, इसमें भी क्या होगा सम ऑफ जीरो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, उसमें आउटसाइड एक्स था लेकिन इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर लेना एक्स क्यूब है, तो अब क्या आएगा एक्स स्क्वायर, एक माइनस आ गया तो अब क्या आना चाहिए प्लस, इतना कर लिया हमने, ठीक है। अब अगला फॉर्मेट लेंगे, अगले फॉर्मेट में क्या होगा अल्टरनेटिव जीरोस, टू जीरोस के सम लेंगे, जैसे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और आउटसाइड क्या आ जाएगा एक्स, तो देखिए प्लस माइनस प्लस, अब वापस क्या आएगा माइनस, अब बच कौन गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अल्फा बीटा गामा। तो ये फॉर्मेशन होती है किसकी, क्यूबिक पॉलिनोमियल की। तो ये आपको फॉर्मेशन पता होनी चाहिए केवल, बाकी आपके लिए क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा, फॉर्मेशन पता होनी चाहिए बस। तो ये हमें फॉर्मेशन है, फॉर एग्जांपल आप इसको सॉल्व कैसे करें, मान लो कि कोई इक्वेशन बता देता हूँ कि जीरोज दिए हुए हैं, एक वन दे रखा है, बीटा की वैल्यू माइनस वन दे रखी है, गामा की वैल्यू भी वन दे रखी है, अल्फा बीटा गामा ऐसा दे रखा है, तो इसकी फॉर्मेशन अगर मुझे सॉल्व करनी है तो कैसे, तो आप चाहे तो साइड के अंदर पहले इसको सॉल्व कर लो कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना आएगा, पहले इसको सॉल्व करो, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अगर मैं सॉल्व करूँ तो वन माइनस वन प्लस वन, अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मेरे पास इसकी वैल्यू कितनी आएगी वन, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की जगह मैं क्या रख सकता हूँ वन। इसी तरह से अगर मुझे अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा निकालना हो तो मैं क्या कर सकता हूँ, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा यानी वन इंटू माइनस वन, वन इंटू माइनस वन प्लस माइनस वन इंटू वन प्लस वन इंटू वन, तो ये आपके माइनस वन प्लस वन, ओके, ये दो में माइनस वन हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गया, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास माइनस वन आ जाएगी, ये दूसरी वैल्यू हमें मिली। इसी तरह से हमें प्रोडक्ट भी निकालना है, तो अल्फा बीटा गामा निकालना है, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी वन इंटू माइनस वन इंटू वन, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस वन आ जाएगी, तो तीनों वैल्यू हमने निकाली, ठीक है, इसको सॉल्व कर लिया, इसी तरह से इसको सॉल्व कर लिया, हमारे पास वैल्यूज आ गई। अब ये वैल्यूज क्या है, हमें तीनों जो हमने निकाली है प्रोडक्ट ऑफ, इसके अंदर हम वैल्यू रखें तो हमारे पास क्या आएगा ए एक्स क्यूब, इस पूरे की जगह हम क्या रख सकते हैं वन, आउटसाइड क्या है एक्स स्क्वायर, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, इसकी जगह भी वैल्यू रख दो, ये क्या आ जाएगा माइनस का वन, आउटसाइड क्या आ गया एक्स, माइनस अल्फा बीटा गामा की वैल्यू कितनी निकाली माइनस वन, ये रख दिया आपने, ये आपके पास पड़ा ही है एक्स क्यूब माइनस वन है तो वन का मतलब कोई रोल नहीं है, तो आप यहाँ पर एक्स क्यूब स्क्वायर भी ले सकते हो, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, और क्या है आउटसाइड एक्स माइनस इंटू प्लस क्या हो गया माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी वन। तो ये फॉर्मेशन क्या आएगी आपके इन जीरोज के लिए क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और मैं लेता हूँ जिसके थ्रू मैं आप लोगों को ये फॉर्मेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक क्वेश्चन और समझा देता हूँ, उसके थ्रू आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बेसिकली जो है आप लोगों के जो क्वाड्रेटिक है उस फॉर्मेट बेसिस पे क्या है कि क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, उस तरह का एक क्वेश्चन मैं और करवा देता हूँ। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कोई कहता है कि अल्फा की दो जीरोस दे रखे हैं, देन फॉर्म द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल मान लो किसी ने कहा कि एक वैल्यू वन है और बीटा की वैल्यू जो है टू दे रखी है, मान लो कि कोई ऐसी वैल्यू दे रखी या एक माइनस में ले लो जीरो ऐसा दे रखा है, तो हमें मान लो कोई कह रहा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताओ, तो हम क्या करेंगे कि फिर एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, जीरोस क्या है अल्फा और बीटा, तो सम ऑफ जीरोस आउटसाइड क्या है एक्स प्लस, इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी कि अल्फा इंटू बीटा, इसको थ्रू हम वैल्यू रख देंगे। अब आप चाहे तो अलग से पहले सॉल्व कर सकते हैं तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, साथ में कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है,
ठीक है, अल्फा प्लस बीटा निकालो, अल्फा प्लस बीटा निकालो तो वन प्लस माइनस टू, उसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो वन माइनस टू यानी कि माइनस वन आ जाएगी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, या आपके अल्फा प्लस बीटा हो गया। इसी तरह से आप अल्फा बीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हो, अल्फा बीटा यानी कि वन इंटू माइनस टू निकाल सकते हो, तो अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का टू आ जाएगी। तो हमने ये वैल्यूज निकाल ली पहले, आप चाहो तो पहले वैल्यूज भी निकाल सकते हो साइड के अंदर। अब ये वैल्यूज क्या है आप इसके अंदर रखेंगे और उसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी। साइड में हमने करा हुआ है पहले से, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आई, माइनस का वन, आउटसाइड एक्स, प्रोडक्ट ऑफ जीरो की वैल्यू क्या आई, माइनस का टू, तो इसको ब्रैकेट में लिख देना, सॉल्व कर लेंगे इसको, एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस एक्स प्लस इंटू माइनस माइनस, तो ये फॉर्मेशन आपको मिल गई। तो इस तरह से हमने फॉर्मेशन सीख ली दोनों, क्वाड्रेटिक भी और क्यूबिक भी। तो आप इसकी और प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है, और बाकी की और भी जो क्वेश्चंस है इसकी फॉर्मेशन है, जैसे कि डिवाइड करना, ठीक है, और जीरो, उसमें हम मिलीटर्म की और प्रैक्टिस करेंगे। आगे की वीडियो आप देखते जाइए, उसके थ्रू आप समझते जाएंगे। ओके, बाय।